प्रधानमंत्री नेहरू ने दिया है, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र ने दिया है, धर्मेंद्र ने दिया है, जितेंद्र ने दिया है, कलेक्टर ने दिया है, न कमिश्नर ने दिया है, इंस्पेक्टर ने दिया है, न मिनिस्टर ने दिया है। अरे ये आन वान शान कोट पेंट टाई पहनने का स्वाभिमान 33 करोड़ ने नहीं, मेरे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। नागपुर की धरती से राहुल जी ये गीत बहुत बड़ा सुंदर गीत है। तुमने कहा है पढ़ना सीखो, तुमने कहा है पढ़ना सीखो, यादव यादव अली लोही गलरिया गुरसन हेलो नाई शहर फारसी धान को धोबी कड़ेरा यादव अहिर जितने भी हैं इनको पढ़ने का अधिकार। सच्चाई यही है कि किसी ने नहीं परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है। और इससे भी बड़ी सच्चाई कि बाबा साहब भी एक अक्षर नहीं पढ़ पाते, अगर ओबीसी में जन्मे राष्ट्रपिता फुले जी शिक्षा का बुगुल नहीं बजाते तो बाबा साहब भी एक अक्षर नहीं पढ़ पाते। कभी घमंड मत करना, तोता घमंड। अरे बाबा साहब हमारे थे, हमारे बाबा साहब ने सब कुछ करो अपने लिए अकेले के नहीं किया। बाबा साहब ने ब्राह्मण से लेके वाल्मीकि तक के लिए किया। बाबा साहब सबके भीम ने कहा है पढ़ना सीखो और जब जातपात से लड़ना सीखो, क्यों करते हो सलाम ठाकुर साहब पंडित जी वे कह रहे बैठो बेटा बैठो नीचे बैठो नीचे ये भेदभाव है इसको खत्म कर दिया। अगर तुमने कह दिया ठाकुर साहब सलाम तो ठाकुर साहब का भी उत्तरदायित्व बनता है कि अगर उसने सलाम किया है तो सामने वाले को गले से लगा दे, बराबर समानता आ जाएगी। नीचे बैठने के लिए मत बोल पंडित जी प्रणाम। तो पंडित जी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि नीचे वाले ने सलाम किया है तो गले से लगा लो या बराबरी में बैठा ले तो समझेगा कि अब बराबरी आ गई, जातिवाद खत्म करो। और क्यों करते हो सलाम, और अच्छा लगे तो दोनों हाथ, जिनके पास दो हाथ है दोनों से बजाना, एक हाथ एक तरह से ताली बजाना। छोड़ दो बुलाया वे छोड़ दो, जातिवाद से लड़ना सीखो, परम है पढ़ना सीखो और जातिवाद से लड़ना सीखो, क्यों करते हो सलाम छोड़ दो गुलामी शिवराम मार साहब। हेलो ये भी तुम ऐसे बापू के बेटे हो, कैसे बाप के भाई बताइए, कैसे बाप के बेटे हो, चाहे तो राष्ट्रपिता फुले हो, चाहे अवंतीबाई लोधी हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे वीरांगना झलकारी बाई हो, और चाहे परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर हो,
झलकारी भाई ने 9 साल की उम्र में चीते को फाड़ दिया। झलकारी कोरी कोरी क्या कहते हैं, कोरी कछु नहीं कसे तेरे मूर्खो, कोरी की तो लड़कियों ने चीते को फाड़ दिया, तुम कोरी की बात करते हो, कहां भूल गए इतिहास, कहां भूल गए। ये काशी है जो तुम सब्जी निकाल सकता है, अरे काशी की बात करता है, माता सावित्री बाई का इतिहास उठा के देख, तेरे पुरखाओं ने वो काम नहीं किया होगा जो माता सावित्री बाई ने कर दिया, उठा के देख, बैठ क्यों नहीं पढ़ता। 12 साल की उम्र में माता सावित्री बाई फुले ने अजगर सांप को मार दिया, कहां की बात करते हो, लेकिन इतिहास पढ़ोगे तब पता चलेगा। अहिल्याबाई होलकर विक्रमादित्य राजा के लिए गई थी, उनका पौरुष का इतिहास जानकर हैरान हो जाओगे क्या किया उन्होंने, लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं, हम काय में लड़ रहे हैं, हम तो यादव हैं, तो गर्जर है उसके चमार है ये कोरी लगे रहो। और हमारे महापुरुषों ने क्या किया, हमारे महापुरुषों ने सबको एक करने का काम किया, और हम उनके वंशज अलग अलग बैठ करके काम अपना अपना झंडा लेकर के अपना नाम रोशन कर रहे हैं, खुद का नाम रोशन कर रहे हैं, महापुरुषों की लाइन पर हम लोग नहीं चल रहे। तब कहा हमारे बाप कौन थे, शेर थे के गीदर थे, ये किन किन के पुर का शेर थे, हाथ उठाइए। तो शेर के बच्चे शेर होते कि कायर होते, शेर होते। तुम ऐसे बाप के बेटे हो, कैसे जो खुद ही एक कर भी मुझे ये मनुवाद का तूफान था उस समय पे, तूफान से लड़ कर भी मुझे और हम लोग बाप जैसा पैसे हो बेटे, अरे हमारा बाप शेर था तो हम शेर हैं, बाप जैसा पैसे हो बेटे, फिर घर में पराए क्यों तुम बैठे। हमारे बाप का ये घर है मान सम्मान स्वाभिमान का घर है ये, हम दूसरों के घरों में इज्जत नहीं पा सकते, ज्यादा खतरा। बाप जैसा पैसे हो बेटे और घर में पराए क्यों तुम बैठे, मेरे बाप की बदला बेटे हो। और ये जो लोग संविधान को छेड़ने की कोशिश करते हैं, उन नापाक इरादे वाले नालायक कमबख्त उन कायरों के लिए कह देना चाहता हूं कि जलेबी पुआ बनाना नहीं आता। ये जो बाबा के संविधान को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए कहना है कि पुआ बनाना नहीं आता, जलेबी बनाने की बात करते हैं, और जमीन पर तैरना नहीं, जमीन पर चलना भी नहीं आता, आसमान अब उड़ान भरने की बात करते हैं। अरे कम्बख्त तो पहले अपने शरीर के कपड़े तो बदलना सीख लो, जिनको ढंग से अपने कपड़े बदलना नहीं आता वो मेरे बाप के संविधान को बदलने की बात करते हैं। क्या मिला मुझे, क्या मिला, कुछ तुमने मुझे दे दिया, कुछ नहीं,
पैर छू ले और हमारी छाड़ी चौथी चोरी होगी, पैर छू लिया उसने, पैर नहीं छूना है, पैर छूना मैंने मना क्यों किया, अब देख लो, अब छुओ मेरे पैर, अब बताता हूँ, अब छुओ जरा, छुओ, एक मिनट ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत बोलो, अब तुम पैर छुओ ना, ऊंचा कौन है, कौन है नीचा, ये ऊंचा मैं, अब मेरे गले लग जाओ, लग जाओ भले पियो कोई बात नहीं, कौन नीचा ऊंचा है, कोई नहीं, अब सब बराबर है। तो हिंदू धर्म वाले लोग, ये वेद पूजा पाठ करने वाले लोग, ये ऊंचा नीचा करना सिखाते हैं, और भगवान बुद्ध का धम्म ये समानता सिखाता है, ये कभी पैर छूना नहीं सिखाता। चले जाइए, चले चले जाइए, संविधान पर लिखता हूं, क्योंकि संविधान ही हमारी क्यों नहीं 2028 में क्यों नहीं 27 में लागू क्यों हुई, उसका बहुत बड़ा कारण है षड्यंत्र के तहत लागू हो गया। मोहन भागवत ने, मैं डायरेक्ट बोलता हूं, मुझे डर से नहीं लगता कि अगर इस समय पर भी मैं डर गया, मोहन भागवत की एक अंदर की खबर आई है भैया, अगर उसको सपोर्ट करने वाले हो तो बोल देना कि सुमन चौधरी ने, सुमन प्रताप बौद्ध ने मोहन भागवत तेरी खबर को लीक कर दिया, बोल देना आई डोंट माइंड, क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं जीना है, शेर की जिंदगी 4 दिन और गीदड़ की जिंदगी 1000 दिन, मुझे 4 दिन की जिंदगी पसंद है, 1000 दिन की जिंदगी पसंद नहीं है, 4 दिन की जिंदगी हो, जिस दिन तुम लोग कोई माई का लाल तुम्हें मारने वाला पैदा नहीं होगा, हम 1000 दिन की जिंदगी जीते, कीड़े मकोड़ों की तरह जीना चाहते, बस पूरी जिंदगी जीने, नाम हो के नहीं हो जी जाए, बस कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी पूरी हो जाए, मर जा सर सर क्या। मोहन भागवत ने कहा कि जिस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को नासिक के चौराहे पे हमारे पुरखों की मनुस्मृति को जलाया था, उसका बदला ठीक 100 साल के बाद 25 दिसंबर 2027 को बाबा साहब के संविधान को जला के नहीं जाएगा, ये षड्यंत्र है, और जब संविधान को जलाया जाएगा तो एक अकेले संविधान को नहीं जलाया जाएगा, एक जिंदे मनुष्य को खड़ा किया जाएगा, उसको चश्मा पहनाया जाएगा, कलम हाथ में दी जाएगी, नीला कोट पैंट होगा, और अंबेडकर लिखा जाएगा, एक जिंदे मनुष्य में भी आग लगाई जाएगी और संविधान में भी आग लगाई जाएगी, उसके बाद मनुस्मृति को लागू किया जाएगा। तब आदिवासी के लोगों, तुम नकली ठाकुर बन के बैठे हो, ये अन्याय अत्याचार तुम्हारे साथ भी होगा, तुम्हें बसा नहीं जाएगा, इसको लिख लो, इसको लिख लो। इसलिए अभी भी वक्त है, एससी एसटी ओबीसी एक मंच पे आ जाए तो इन हरामियों की हिम्मत नहीं है कि कोई हमारे समाज को परेशान कर जाए, आज बाबा साहब का संविधान बचा रहेगा तो एससी एसटी ओबीसी का मान सम्मान जिंदा रहेगा, और जिस दिन बाबा साहब का संविधान खत्म, ये तीनों की कहानी खत्म, ये जिंदा रहने के काबिल नहीं होगा, ना एमपी एमएलए ना कोई सरपंच पद, कुछ नहीं बनेंगे, हम बनेंगे तो सिर्फ गुलाम बनेंगे, लेकिन जिस दिन संविधान पे आ जाए तो बीजेपी कांग्रेस और बीएसपी वाले मेरे भाइयों, संविधान के लिए तीनों को लड़ना चाहिए, तीनों पार्टियों को लड़ना चाहिए, तब संविधान बचेगा, क्योंकि पार्टी बहनों की इज्जत नहीं बचाएगी, बहन बेटों की इज्जत बाबा साहब का संविधान बचाएगा, तब जब डंडा झंडा काम नहीं आएगा तब काम आएगा, तो परम पूज्य बाबा साहब की लिखी हुई कलम की वो एक एक राइट एक एक आर्टिकल काम आएगा। इसलिए आपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ, फिर कहूंगा कि तुम ऐसे बापू के बेटे हो जो घर में कभी ना हारा था, जो घर में कभी ना हारा था, जो घर में कभी ना हारा था, कुछ भी मान कौन से नाकाम हो गए, खाया नमक बाबा का नमक हराम हो गए, कि कुछ बेईमान कौन से नाकाम हो गए, और खाया नमक बाबा का वो नमक हराम हो गए, और कुर्सी के लालच में बिछ गए कुछ बेईमान नेता, अरे वो तो आज मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो गए। Oh,
इस्लामी छोड़ दो गुलामी यारो छोड़ दो गुलामी।